हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मतलब मामा जी के लड़के आए दिल्ली से, यानी भैया। तो वो बोल रहे हैं कि गंगा जी नहाने चल रहे हैं, यानी अवंतिका देवी पर। तो मैं उनको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मेरे को नहीं दिखाना। तो कह रहे थे कि तेरी ब्लॉग में नहीं, मजा नहीं आ रहा है। ऑफकोर्स लिए आपको पता ही है कि वीडियो में मज़ा दिलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो यानी कि सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, चैनल पर न्यू हो तो, और वीडियो को लाइक कर देना, तभी मज़ा आएगा वीडियो में, वरना मज़ा नहीं आने वाला है। तो ओके, अपने खेत की रास्ता है जो कि कच्ची है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ब्लॉग बना रहा हूँ। थोड़ा हिल लिया लेकिन चलो कोई नहीं, चलेगा। गाइस फाइनली खेत पर तो आ चुके हैं। तो गाड़ी में मैं वो पैसे वगैरह भूल गया है, क्योंकि यहाँ से आम ही लेके जानी है चार के लिए। तो पहले पैसे लेके आता हूँ, गाड़ी खड़ी है वहाँ पर पीछे। तो ओके चलते हैं, बाकी सब पीछे गए वहाँ पर, तो मैं पहले वहाँ गाड़ी पर जाता हूँ। तो गाइस यहाँ से मेरे को पैसे लेकर जाने हैं, पहले ढूंढता हूँ किट के बारे में। तो शायद ही नहीं है, हाँ ये मिल गई। तो मैं निकालता हूँ इसमें पैसे, तो एक मिनट के लिए रुको। कट्टा भी ले आया हूँ मामी के लिए। तो अब चलते हैं सीधा खेत पे, तो भाग के जा रहा हूँ, गाड़ी पीछे खड़ी पार्क कर दी है मतलब। चलो तो गाइस, लाल में टमाटर खा रहा हूँ, लेकिन हमारे मतलब खेत पड़ोसी के टमाटर बोल रहे थे, तो उनके यहाँ से टमाटर लिया मैंने एक, तो खा लिया। और अब जा रहे हैं हम मतलब मैं खीरा लेने के लिए, क्योंकि भैया आए ना दिल्ली से, तो उनके लिए खीरे रखने। अब चलते हैं, ये पीछे मक्का बोबरी है वहाँ से, वहाँ से देखो इधर भी मक्का ही मक्का है। तो मैं खड़ा हूँ फिलहाल एक पेड़ की छाया में, क्योंकि यहाँ पे सहारे में धूप आ रही, तो यहाँ से फिर अच्छी नहीं आ रही थी ना ब्लॉग, तो इसलिए अब चल रहे हैं खीरा लेने। तो आपको दिखाता हूँ खीरे की बेल वगैरह कैसे होती है, मतलब बेल पर लगते हैं खीरे। चलो अब चलते। तो एक खीरा की यहाँ पर फसल हो रही है, मतलब ये बेल है, तो इसमें से तो देखो ये लग रहे हैं यहाँ पर दो खीरे, तो जिनको मैं तोड़ लेता हूँ। एक ये टूटा और एक ये, और एक मेरे को ये दिखा यहाँ पर। तो ये नहीं है कि मैं चोरी कर रहा हूँ, क्योंकि अपने खेत पड़ोसी के ही हैं, तो उन्होंने बोल दिया था कि तुम जाके ले आना। फाइनली अब खेत से तो चल चुके हैं, तो अब चल रहे हैं देवी जी पे। तो जो सब्जी वगैरह लेके जा रहे हैं हम ये रही, तो वो गाड़ी में रख देंगे। चलो अब चल रहे हैं। तो गाइस फाइनली गंगा जी पर तो आ चुके हैं, अब नहाने चलते हैं। यहाँ पर भैया नहा रहा है, चलो। तो गाइस फाइनली यहाँ पर हम नहा रहे हैं, तो भैया तो उधर नहा रहे हैं दोनों, विशाल भैया और कमल भैया। तो मैं ज़्यादा गहरे में नहीं जा रहा, क्योंकि फिर फोन मेरा वाटर प्रूफ नहीं है ना ये वाला, तो इसलिए कभी फोन इधर गिर जाए। लेकिन फिर भी देखो मैं एक डुबकी मारता हूँ यहाँ पर, चलो फिर गाड़ी में बैठ के सब मिलते हैं। गाइस फाइनली नहा के तो आ चुके हैं, तो अब यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, तो अब शायद घर चलेंगे या फिर शायद मंदिर भी चल सकते हैं, भैया की मर्जी, क्योंकि भैया मना कर रहे हैं, तो उसके बाद चलेंगे।
बाय। तो गाइस फाइनली घर पे आ चुके हैं। बस गंगा जी में बहुत ज़्यादा मस्ती की हमने, 2-2.5 घंटे नहाए कम से कम, तो फुल मज़ा आया। तो इस ब्लॉग का ही एंड करते हैं। नाश्ता पानी हो गया, तो भैया भी चले गए हैं घर, क्योंकि मैंने जो अभी आपको क्लिप दिखाई थी वीडियो की, तो भैया भी चले गए, मामा जी भी चले गए दोनों। तो अब बस इस ब्लॉग का ही एंड करते हैं। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और जो आपको अच्छा लगा हो ना हमारी वीडियो को कमेंट करके बता देना, मैं सबकी कमेंट पढ़ता हूँ। ओके मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।